नीलूफर जो ये फिल्म है ये बहुत ही एक ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन है बिटवीन डॉन एंड इट इज डिसाइपल ए गैंगस्टर यू नो. तो मेरा किरदार तो खैर इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त है. मैंने इस तरह का किरदार पहले कभी किया नहीं है जो ड्रामेटिक हो, जिसकी लेयर्स बहुत हो, जिसके अंदर गुस्सा भी हो, पेन भी हो, जो मतलब पावर भी हो जिसके अंदर. याकूब मिर्ज़ा का मैंने रोल किया है और इसके लिए मैं आई वुड लाइक टू थैंक माय राइटर डायरेक्टर विराग मिश्रा हु इज़ लाइक यंगर ब्रदर टू मी एंड व्हेन ही केम विद ए स्क्रिप्ट टू मी दैट ही वांट्स टू डू ए शॉर्ट फिल्म. सो व्हेन आई रेड इट आई थॉट यार ये बड़ी कमाल की चीज़ है बिकॉज ये बिल्कुल सलीम जावेद टाइप जो डायलॉग्स है इसके बड़े कमाल है और उसने पूरी उसी फील में पिक्चर बनाई है. और जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने फिर एक लड़के का नाम सजेस्ट किया. मैंने कहा हर्षवर्धन देव को इस पिक्चर में लो गैंगस्टर के रोल में बिकॉज मेरे को लगता है कि वो बड़ा टैलेंटेड एक्टर है और आगे आने वाले समय में उसका बहुत नाम होगा और उसको बहुत काम मिलने वाला है. तो विराग मिला हर्षवर्धन से और वो जो जफर का रोल है वो हर्षवर्धन ने किया और हर्षवर्धन तो बाद में फिल्म को प्रोड्यूस भी कर दिया तो सोने पे सुहागा हो गया. तो ये जो फिल्म है ये लोगों को बहुत पसंद आने वाली है बिकॉज इसकी जो ड्रामेटिक वैल्यू है और ड्रामेटिक पॉइंट्स हैं और इसकी जो रिलेशनशिप है एक लव स्टोरी है, लव स्टोरी विद ए वेंजेंस है और जो डायलॉगबाजी है वो बड़ी कमाल की है. मुझे ये रोल करने में बड़ा मज़ा आया. अपनी मैंने आवाज़ चेंज की है, अपना स्टांस चेंज किया. आपको ऐसा सतीश कौशिक नहीं दिखाई देगा जो एक्चुअली अब तक पिक्चरों में दिखाई दिया है. मतलब मैंने ऐसा रोल एक्चुअली कभी किया नहीं है. एक बहुत ही पावरफुल डॉन का और पुराने टाइम का डॉन है, पुराना आदमी है. मतलब जो हमारे टाइम में पुराने जब डॉन्स हुआ करते थे जना, तो वो जो फील है वो बहुत अच्छी आई है ना. मैं बहुत खुश हूँ उससे. आई थिंक इट इज़ टेकिंग ओवर वेरी मच बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म इज़ ग्रोइंग वेदर इट इज़ वॉचिंग मूवीज और रियलिटी शोज और शॉर्ट फिल्म. यू नो क्या है ना कि आजकल यंगस्टर्स आर वेरी इम्पेशेंट पीपल और आजकल जो ऑडियंस का जो पूरा एक जो कॉन्सेंट्रेटेड टाइम पीरियड है वो बहुत कम है. मतलब आज अगर देखो इसलिए 12-13 मिनट की क्यों मिल रही है कि टीवी भी देखो या कुछ भी देखो 13 मिनट से ज़्यादा आदमी जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं होता कुछ, वो इम्पेशेंट होना शुरू हो जाता है. सो मेरे को लगता है ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आया है ये मतलब एक व्यूइंग को बढ़ाएगा. एक नया प्लेटफॉर्म है अपनी क्रिएटिविटी को करने के लिए. यंगस्टर्स को बहुत ही एक मतलब मौका मिल रहा है कि अपनी बात कहने का. आप कुछ भी सोचें और कुछ भी करना चाहें, फियरलेसली करना चाहें, जो मन में आए वो करना चाहें, मतलब वो आप कम से कम इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं. और जो यंग ऑडियंस है जो हुक्ड रहती है डिजिटल स्पेस से वो उनको बहुत मज़ा आता है. आई थिंक ए पर्सन विद ए बिग बिग विजन बिकॉज ही इज़ ए राइटर, ही इज़ ए पोएट, ही इज़ ए फिल्म राइटर, ही हैज़ बीन यू नो हेडिंग यू नो इंटरनेशनली एडवर्टाइजिंग एजेंसी. दैट मीन्स हिज नॉलेज अबाउट क्रिएटिव आर्ट इज वेरी वेरीड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो. एंड ही हिमसेल्फ इज ए वेरी नाइस पर्सन, वेरी ओपन पर्सन, बड़ा सेकुलर आदमी है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि डेफिनेटली उनका पॉइंट ऑफ व्यू जब आएगा तो अच्छा है. हमारी कम से कम आज़ादी जो है वो फिल्म बनाने की और फिल्मकारों की जो है वो फिल्म मेकर्स की थोड़ी सी मुश्किलातें जो हैं वो कम होती दिखाई दे रही हैं उनके आने से. यार इसी फिल्म में इधर इसी फिल्म के लिए रखो ना सर. टॉक अबाउट नीलूफर आ रहा है तो आपको लगता है लोगों का देखने का नज़रिया फिल्मों को काफ़ी बदल चुका है. लाइक दे डोंट कम टू सी द फेस ऑफ एक्टर नाउ,
देखिए ये हमेशा जो वक्त है ऊपर नीचे होता रहा है, ये आज से नहीं, मेरे को मतलब 35-40 साल हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, हमेशा वक्त आया जब जैसी पिक्चर चलती है लोग सोचते हैं वैसी ही पिक्चरें बननी चाहिए, और फिर जब कोई किसी किस्म की पिक्चर नहीं चलती है तो लोगों को लगता है कि ऐसी पिक्चर नहीं बननी चाहिए। लेकिन चलो अच्छी बात है, आज जब टॉयलेट एक प्रेमकथा जैसी पिक्चर चलती है या दम लगा के आयशा जैसी पिक्चर चलती है या हिंदी मीडियम जैसी पिक्चर चलती है तो कहीं वो छोटे शहरों का जो कैरेक्टर है, छोटे शहरों की जो बात है, वो लोगों को अच्छी तरह पहुंचती है। तो इट इज़ अ गुड टाइम कि मतलब इस तरह की रियलिस्टिक पिक्चरें आज किसी को आज ऑडियंस इम्प्रेस नहीं होती कि आप स्विट्ज़रलैंड दिखा रहे हो या यूरोप दिखा रहे हो या अमेरिका दिखा रहे हो या बड़ी बड़ी लोकेशन या बड़े बड़े सेट पे कर रहे हो। आज जो रियलिज्म जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो दैट्स वेरी गुड बिकॉज उससे आज जो है ना कॉस्ट भी पिक्चर की कम होती है उससे, और उसकी रिकवरी के आसार जो है और ज़्यादा। थैंक यू सो मच। हाँ तो मैं एक एक करके बताता हूँ। तो एक्सपीरियंस वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिकॉज आई फील दैट द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस शॉर्ट फिल्म एंड फीचर फिल्म इज द लेंथ, द स्टोरी, द ट्रीटमेंट, द डायलॉग्स, यू नो द वे इट्स मेड, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू मी एट पार विथ एनी यू नो बिग फीचर फिल्म। सो दैट इज़ वॉट एक्साइटेड मी अबाउट इट। एंड my character is called Zafar, he's a gangster and he's a brave heart and he loves unconditionally, and to what extent can he go for his love is what it's about. It's not a true story, okay. it's a fictitious story. Okay, Satish sir said right now that he recommended you in this film. Yes. So Virag ji, I think had met with Satish sir, and you know, they for the role of Yaqub Mirza, and I think they were looking for an actor to play Zafar. So Satish sir had me in mind, probably. So he called me, and then they made me read a few lines, and they were happy with me. So we decided to go ahead and make this film. Sorry. This is my first time in short films. Yes. How you see the digital platform? I think it's a growing platform. It's a platform for the future. So I feel that cinema will never die. I agree. But however, there is a parallel universe in terms of digital content that is going to boom and is already booming. So what's your further planning after this? Further plans, just to keep kind of looking for good scripts and doing good work. Thank you so much. You know, thank you. This short film is directly inspired from the Saleem Javed kind of cinema. This short film is completely inspired by the Saleem Javed kind of cinema that used to happen in the 1970s. Larger than life characters, high octane dialogue bazi, you know, full of action, intensity, drama. इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ शॉर्ट फिल्म्स। एक शॉर्ट फिल्म की एक कैटेगरी डिफाइन हो गई है ना कि एक तरीके की फिल्में बननी है। सो दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट टू गेट द फिल्म बैक इनटू अ शॉर्ट फिल्म। ये नहीं, इट इज़ नहीं सच्ची कहानी बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन। ये एक छोटी सी स्क्रिप्ट मैंने लिखी थी अबाउट अ गाय हुज मैडली इन लव विद एक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी के साथ उसकी मोहब्बत हो जाती है, और मोहब्बत हो गई तो भाई बड़ा पंगा हो जाता है उसके अंदर। सो हाउ ही कन्फ्रंट्स द यू नो द बिग गन एंड ट्राइज टू कन्विंस हिम टू गेट द गर्ल बैक, रेस्ट इज ऑल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस टू सी। सर नाउ दैट इज द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर ऑल दैट ऑफ फिल्म सेलिब्रिटीज आर सेलिंग फीचर फिल्म टू दैट शिफ्टिंग टू डिजिटल, हाउ यू सी दिस नाउ? बिल्कुल सही है। देखो अभी होता क्या है कि हर 10-15 साल पे पैटर्न चेंज होते रहते हैं। पहले सिर्फ फिल्म्स थी, फिर होम वीडियो आया, होम वीडियो के बाद केबल टीवी आया, केबल टीवी के बाद नाउ इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। इट इज़ वेरी गुड वाई बिकॉज नाउ मोर एंड मोर पीपल हैव दी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। यू नो इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर अ टैलेंट, इट हैज़ बिकम ईजियर फॉर अ केपेबल पर्सन टू गो एंड प्रेजेंट हिज वर्क टू द जनरल पब्लिक। सो डिजिटल व्हाट इट डज इट कट्स आउट द मिडल मैन बिटवीन द ऑडियंस एंड द क्रिएटिव पर्सन।
not that, but you know, process थोड़ा छोटा हो गया है इसके अंदर. डिजिटल में आप डायरेक्टली अपने ऑडियंसेस को अपनी यू नो अपनी आर्ट, अपनी फिल्म, अपना म्यूजिक वीडियो, अपना स्टैंड अप एक्ट डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हो. सो उससे होता क्या है कि फैसिलिटेट बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है. सो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस हैज बीन मी. आई यूज टू राइट सॉन्ग्स, आई एम अ सॉन्ग राइटर बेसिकली, यू नो, बट डिजिटल एम्पावर्ड मी टू गो अहेड एंड मेक माई फर्स्ट फिल्म व्हिच हैपेंस टू बी इन लव. So the main lead hero is a newcomer. He's the first time he's doing debut in this short film. How you get? No, he's a fantastic actor. In fact, he's done one film before called Jigariya. Yeah. I saw his work. He's very nice. And you look at his work, he's out of the world. Harsh has really killed it in the film. He actually plays the part. देखो हीरो का क्या रहता है. फॉर मी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हीरो इज अ लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर. उसकी एक प्रेजेंस होनी चाहिए. जब हीरो आए तो सीटी बजे, तालियां बजे, लोग बोलेंगे हाँ देयर इज अ हीरो इज कमिंग. सो हर्ष के अंदर वो बात है. इसकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी कमाल है बिकॉज दिस इज एन इंटेंस हाई ऑक्टेन डायलॉग डिलीवरी ड्रामा फिल्म. सो दैट्स व्हाट हर्ष हैज, यू नो, हर्ष हैज डन 100% जस्टिस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. Sanjay ji, really good to see you. You hardly come to any event. How come you are here? Basically, ये जिनकी फिल्म है, जिन्होंने प्रोड्यूस किया है, वो हमारे फैमिली फ्रेंड हैं. प्रीति जी उनकी लड़की हैं और ये पहला प्रयास है इस तरह का. बड़ी फिल्में तो सभी बनाते हैं लेकिन वेब पे, नेट पे फिल्म बनाना, रिलीज़ करना एक नया ट्रेंड है. नेटफ्लिक्स ने ट्रेंड शुरू किया तो उस ट्रेंड में एक पहली फिल्म इस तरह की बनी है, तो निश्चित तौर पे जानना चाहिए, समझना चाहिए. एक बहुत अच्छी मूवी है और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बने और वेब के जरिए लोगों को अच्छा मनोरंजन मिले. दैट्स ऑल. सर, उल्टा पंजाब जो पहला जी का एक इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि उल्टा पंजाब जैसी फिल्म है जो सरकार की छवि खराब करती थी, पंजाब के बारे में सच्चाई बताती थी, तो सरकार की तरफ से प्रेशर आया था कि इसको बैन किया जाए. तो आप कैसे देखते हैं सरकार फिल्मों में इंटरफेयर करती है जो सरकार के बारे में बताती है? सरकार सिर्फ फिल्मों में इंटरफेयर नहीं कर रही है, सरकार आपके हर जाति मामले में इंटरफेयर कर रही है. किसको क्या खाना चाहिए सरकार तय करने लगी है, किसको क्या पहनना चाहिए सरकार तय कर रही है, कौन से फिल्म दिखनी चाहिए सरकार तय कर रही है. और आज जब पहलवान नीलानी जी को हटा दिया गया तब वो सच उगल रहे हैं और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सच उगलें और ये पूरा ओनस जो है सरकार के ऊपर आ रहा है और सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पे कोई फिल्म बना रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ सुनाना चाहता है, इन सब चीज़ों पे एक्सप्रेशन पर बंदिश नहीं होनी चाहिए. लेकिन सरकार निहायत राजनीतिक तरीके से काम कर रही है और हर चीज़, चाहे सिनेमा हो या किताब हो, उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सूट करे इसके हिसाब से वो करना चाहते हैं, जो कि सर्वथा गलत है. हिंदू सरकार के बारे में बात की जा रही थी कि तो लोगों का ये कहना है कि हिंदू सरकार तो गई, वो झंडू सरकार बनाएंगे. थैंक यू सर. यू नो व्हाई डिजिटल प्लेटफॉर्म इंस्टेड ऑफ चूजिंग अ बिगर स्क्रीन वी हैव चूजन कपल ऑफ रीजंस. For one, I think digital platform is the future of entertainment because of course if you see globally it is something that we make which is available to audience across the world and not just to a limited platform. Second, it's I think a more open platform for people trying to explore themselves creatively, you know, where the restrictions are lesser. So that's why we're looking at digital. And also genuinely I feel that it is the future of entertainment. This is where we are going. The younger audience like me and people our age group are mostly on the digital platform rather than on TV anymore. Cinema of course is a different ball game, but you know, if you compare it to TV, I think we are more on the digital platform and it has a much wider reach. And now that India is getting connected so well, you know, thanks to the internet spreading across, I think our reach has sort of widened even more. Okay, so Nilofar, the title of the film is Nilofar Lingdali, ki Nilofar ko sunne dekhne bahut kam mila. I think essence of the film was Nilofar. Ki essence of the film tha pyar. To ab Zafar ka pyar hai Nilofar, to I thought Nilofar se acha naam, I think Viral ji ne theek hi socha ki aur kuch ho hi nahi sakta. Nahi, naam ki baat nahi, bahut kam dekhne ko mili Nilofar. Na bolte hain, na kam bolte hain, jaise ki sir keh rahe hain. To aisa आई थिंक एसेंस उसका निलोफर था. कहानी ऑफ कोर्स जफर एंड याकूब की थी,
तो याकूब और जफर के बीच में जो इंटरेक्शन है वो मेन पार्ट था कहानी का, लेकिन तो पूरे इंटरेक्शन के बीच में द आई थिंक सीड ऑफ द स्टोरी वॉज लव. Okay, and the love was based on Niloufar. So even though uske dialogues kam the and uska scene kam the, but I think the main essence of the film wohi thi. Yes, very true. Okay, what next? You said there are two projects in the pipeline. There are couple of projects. I wait for it. So there are few all digital. I can just give you that and just wait for it. Nothing more to say right now. Okay, thank you. Thank you.